माफियाओं के खिलाफ जो जांच अधिकारी थी एसओजी की दिव्या मित्तल, वो अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि अभी ये निलंबित हैं और कोर्ट से इनका मामला विचाराधीन है इस वक्त। चूंकि अभी इस पूरे प्रकरण में दिव्या मित्तल का कहीं पक्ष नहीं आया था, जो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका पक्ष जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या रहा। मेरा फर्स्ट जो मुकदमा हुआ था जिसमें एसीबी प्रकरण था और मेरे ऊपर 2 करोड़ रुपए डिमांड के आरोप लगाए गए थे। पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरी एक रिकॉर्डिंग हुई है जिसमें एसीबी के जो अनुसंधान अधिकारी हैं श्री मांगीलाल जी, उनके द्वारा स्वयं जो ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर मुझे अरेस्ट किया गया था। उसके एग्जैक्ट एक महीने बाद 12 फरवरी को वो स्वयं एक ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं जो मुझे चार्जशीट के रूप में प्राप्त हुई है। तो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट और सेकंड ट्रांसक्रिप्ट में अपने हिसाब से उन्होंने शब्दों का अंकन किया है, और स्वयं जब ट्रांसक्रिप्ट लिख रहे हैं, जब वो बना रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कुछ शब्दों का अंकन सही से नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा से ट्रांसक्रिप्ट बना रहा हूँ। तो एक ही रिकॉर्डिंग की 2 अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट बनाना इनकी पूरी कार्यशैली को संदिग्ध बनाता है, क्योंकि मेरे लिए उसी सबूत को इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया था। दूसरी बात यह है कि 2 करोड़ रुपए डिमांड मेरा बताते हैं, जो शब्द मीडिया में मेरे प्रचारित किए जा रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है, या ऊपर अधिकारियों को देना पड़ता है, या 1 घंटे में आप 25 लाख रुपए की व्यवस्था कर ले आइए, या पहले जो तय हो चुका है वही देना पड़ेगा, ये शब्द मेरे पूरी ट्रांसक्रिप्ट में कहीं भी नहीं है। ये शब्द परिवादी के थे। परिवादी ने मेरे को 52 बार ऑफर किया कि आप एक बार शब्द बोल दो, एक बार अमाउंट बता दो, आप मैडम कुछ बताओ तो सही, आप मैडम सेवा का मौका तो दीजिए। 52 बार उसके ऑफर में भी मैंने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि आप अनुसंधान में सहयोग कीजिए और आपके जो भी दस्तावेज हम जरिए नोटिस मांग रहे हैं वो आप प्रस्तुत कीजिए और अपने पिताजी के बयान कर दीजिए। एसीबी का जो परिवादी है वो पूर्व से एनडीपीएस प्रकरणों में लिप्त है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। यूपी गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ जांचें करवाई हैं, उसने नकली सिरप भेजा है, एनसीबी में उससे काफी सारे केस पेंडिंग है, और यूएसए गवर्नमेंट है उसने उसके खिलाफ वार्निंग लेटर जारी कर रखा है। तो एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को कुछ षड्यंत्रकारी लोग और कुछ एसीबी के अधिकारी मिलकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य ये, इनके कारण यही है कि मैं इन केसों से दूर हो जाती। क्या नाम था उसका? किनका? जिसका आप ले रहे हैं नाम? परिवादी? परिवादी तो विकास अग्रवाल है, जेपी ड्रग हरिद्वार से। आप उनके रिकॉर्ड देख सकते हैं, गूगल पे भी है। और उसकी सुशील करानी जो है ये पूरा मास्टरमाइंड है। ये जो ड्रग रैकेट चल रहा है कई स्टेट्स में चल रहा है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, नागालैंड, गाजियाबाद, दिल्ली, इनके गढ़ हैं। तो ये सुशील करानी इसका पूरा मास्टरमाइंड है, क्योंकि सुशील करानी पूर्व से सजाया भी है, उसके पक्ष में ड्रग लाइसेंस जारी नहीं हो सकते। तो उसने कुछ लोगों को अपने डमी कह लो, या जो अपना व्यापार करने के लिए पार्टनर कह लो, वो बना रखे हैं। तो उसने बाबूलाल सैनी और सुनील सैनी नाम के व्यक्ति हैं। तो पहले सुशील करनानी की जयपुर में मोन्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के नाम से खुद की फर्म थी। जब सुशील करनानी 3 साल जेल काट के आया, तो क्योंकि उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता था, तो उसने उसी नाम से फर्म बनाई है, बाबूलाल सैनी और सुनील सैनी की मोन्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स गुरुग्राम, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जिससे प्रमाणित होता है कि ये उसी की फर्म है। वो सेम ही नेम है उनका, और उसने उनसे एग्रीमेंट कर रखा है। उसका ऑफिस, इनका गोडाउन गुड़गांव में था, और गुड़गांव क्योंकि बीच का सेंटर है इनका, वहाँ पे पूरा माल सभी स्टेट्स में जाता था। तो मेरे द्वारा जब इनकी तलाश की गई, बाबूलाल सैनी और सुनील सैनी की, तो मेरी रिपोर्ट पे वहाँ के एडीसी ने गुड़गांव का गोडाउन सील करवा दिया। उस गोडाउन को खुलवाने के लिए बार बार मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि गोडाउन खुलवाइए, आपकी मनचाही पोस्टिंग कर देंगे। तरह तरह के प्रेशर मेरे ऊपर डाले गए, किंतु मेरे द्वारा सिरे से उस चीज को मना कर दिया गया। तो ये इस चीज से शुद्ध थे कि हमारा पूरा व्यापार मेरे द्वारा इनका पूरा व्यापार बंद कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो इन्होंने मेरे आय से अधिक संपत्ति बताई है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं पुलिस सेवा में आने से पूर्व 6 साल मैंने लेक्चरशिप की है, उसकी मेरी आय थी, और कुछ भूखंड मेरे सेवा में आने से पूर्व के थे, कुछ मेरी आय मेरी सेवा में आने से पूर्व की थी, वो एसीबी अधिकारियों द्वारा अपने फर्दों में नहीं बताई गई है। दूसरी बात, मेरा जो उदयपुर वाला फार्म हाउस है, भूखंड है, उसके ऊपर कम से कम 1 करोड़ रुपए का लोन है, जिसकी किस्तें मेरे सैलरी स्लिप में से जाती हैं, उसको नहीं बताया गया है। बिना मेरे नोटिस शामिल कराए, मेरे जैसी में रहने, न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दौरान मेरे को कोई नोटिस शामिल नहीं करवाया गया, और उस पर बुलडोजर चला के तोड़े गए। आज तक एसीबी का एक भी प्रकरण नहीं है जिसमें रंगे हाथों भी लोग अरेस्ट हुए हैं,
पर उनके बुलडोजर तो नहीं चलाए गए, मेरा पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की गई। तो ये पूर्णतः प्रमाणित करती हैं चीजें कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। अच्छा, सुनील नाम के एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जी, जोड़ा जा रहा है, वो कौन है, क्या बर्खास्त जो सिपाही जिसे कहा जा रहा है? नहीं, वो बर्खास्त सिपाही नहीं है। एक पहली बात तो ये है कि सुमित जो है वो बर्खास्त नहीं है। कुछ उच्च अधिकारियों ने बार बार उसको बर्खास्त सिपाही और ड्रग माफिया और ये शराब का तस्कर कह के प्रचारित किया। वो राज्य सेवा से उसने अपने आप स्वेच्छा से उसने त्याग पत्र दिया है, वो मैं आपको प्रतिलिपि उपलब्ध करा दूंगी। तो उन अधिकारियों को या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या षड्यंत्र के कारण जानबूझ के वो इसको बर्खास्त कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उसको शराब तस्कर के रूप में प्रचारित प्रसारित किया गया है, तो उसके विरुद्ध एक भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है, शराब का प्रकरण तो एक भी नहीं है। तो और तीसरी बात यह है कि यदि वो शराब का तस्कर था या ऐसी गतिविधियों में लिप्त था तो बताने की आवश्यकता कहां है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया आज तक? इससे अधिक संपत्ति मामले की यदि आप FIR देखेंगे तो एक तो उसमें जो भी सामान मेरे लिखा गया कि आय से अधिक है, एक तो उसका आकलन किस आधार पे किया गया है, वो IO ने स्वयं के स्तर पे कर लिया है कि रेट वो कहाँ से लाए हैं, या मेरा पक्ष जाने बिना एक लाइन लिखी गई है कि दिव्या मित्तल के द्वारा कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया। मेरे को आज तक ना तो कोई नोटिस मिला है जिससे मैं मेरी आय के सोर्स में स्रोत बता सकूं कि मैंने ये आय यहाँ से अर्जित की है। दूसरी बात 59 की जहां तक बात है, तो मैंने जो अनुसंधान किया उसमें मैंने समय समय पर मेरे उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया है और उनके दिशा निर्देशों में ही काम किया है। 59 में मैंने सिर्फ एक फैक्चुअल रिपोर्ट दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रेषित की है और उस फाइल की 15 दिन वहाँ पे स्क्रूटनी भी हुई है। मुख्यालय पे जो PO वहाँ पे बैठते हैं उन्होंने वहाँ की स्क्रूटनी भी की है। तो यदि मान लीजिए मेरी बात से उच्चाधिकारी सहमत नहीं थे तो कोई भी सुपरवाइजरी नोट या कोई भी दिशा निर्देश मेरे को प्रेषित कर सकते थे, मैं उनके हिसाब से काम करती। तो सिर्फ एक दिशा निर्देश मांग लेना या कोई भी एक IO यदि मैं अनुसंधान अधिकारी हूँ और मेरे सामने कोई नवीन तथ्य आ गए और मैंने वो प्रस्तुत कर दिया अपने अधिकारियों के समक्ष, तो मैं नहीं समझती है कोई अपराध की श्रेणी में है। और यदि मैंने अपराध किया है तो मेरे से पूर्व जो IO थे उनके खिलाफ तो माननीय उच्च न्यायालय भी प्रसंज्ञान ले चुका है, उनकी मैं खुद इंक्वायरी रिपोर्ट बना के सबमिट कर चुकी हूँ। तो मेरा यदि क्राइम है तो मेरे से पूर्व तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस श्याम सुंदर मुंद्रा की बेल कैंसिलेशन की आप बात कर रहे हैं, श्याम सुंदर मुंद्रा की प्रथम दृष्टया एक अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया फर्स्ट डे जिस दिन उनको फाइल मिली है उसी दिन उन्होंने धारा 8/22 से हटाकर 8/29 कर दी गई और माननीय न्यायालय के आदेश में भी उस चीज को कोट किया गया है। उनके विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच अधिकारी के खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई के लिए जो है मानस बना रहे हैं, किस तरह की कानूनी कार्रवाई चाह रही हैं? 59 NDPS एक्ट में जो अनुसंधान अधिकारी थे जिन्होंने मेरे को अरेस्ट किया है उनके द्वारा 59(2) का अंकित करके मेरे को अरेस्ट किया गया है। तो पहला तो यह है कि मैं नहीं समझ पा रही कि मुझे अरेस्ट किस धारा में किया गया। दूसरी बात यह कि 59(2) खा की बात यदि हम करें तो वो नशा मुक्ति केंद्रों और डॉक्टरों पे लागू है। यदि उस एक्ट की आप उसकी धारा की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें अधिकारी शब्द को पूरा परिभाषित किया गया है और उस अधिकारी शब्द की व्याख्या में पुलिस अधिकारी शब्द कहीं पर भी नहीं है। ये थी दिव्या मित्तल जिन्होंने पहली बार जो है अपना पक्ष सामने रखा है और ETV भारत से इन्होंने बातचीत में साफ कहा है कि जो पूरा प्रकरण है वो इनके खिलाफ साजिशन है। प्रियांक शर्मा, ETV भारत।